भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला गया। भारत ने अपनी पारी में 7 विकेट पर 126 रन बनाए। पहले T20 मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाज लय में नहीं दिखे, एक के बाद एक आउट होते रहे। इस दौरान टीम इंडिया के उभरते क्रिकेटर ऋषभ पंत गलतफहमी में आकर शर्मनाक तरीके से आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो इस अवसर का फायदा नहीं उठा पाए। दरअसल 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की ओर से DRC शॉट फेंक रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद को पॉइंट की तरफ खेला। शॉट खेलने के साथ ही ऋषभ पंत रन लेने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान पॉइंट पर फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। दूसरी तरफ KL राहुल ने फील्डर को गेंद फील्ड करते देख लिया और वो रन लेने के लिए नहीं दौड़े। जेसन बेहरनडॉफ ने गेंद को विकेटकीपर पीटर हैंडस्कॉप की तरफ थ्रो किया। हैंडस्कॉप ने आनंद फानन में गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह से रन आउट देकर ऋषभ पंत अपने आप में काफी खफा नजर आए।